हेलो दोस्तों, लाइव ऑडियो में से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे आपको NRI और NRO अकाउंट के बारे में वीडियोस मिल चुकी होंगी, तो उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम सीख चुके हैं कि कैसे आपको NRI और NRO अकाउंट को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे फर्स्ट टाइम आप नेट बैंकिंग का यूज़ करके आप उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो हम सीखेंगे कि कैसे आप फंड ट्रांसफ़र के लिए सेटिंग करेंगे, क्योंकि फ़ंड ट्रांसफ़र की जो सेटिंग होती है उसके बाद ही आपका जो ATM कार्ड है या जो भी दूसरे फंड होते हैं उनको ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। तो जो भी सेटिंग रहेगी, जो भी कार्ड की सेटिंग रहेगी, कार्ड का जो पासवर्ड चेंज करना रहेगा वो फ़ंड ट्रांसफ़र करने के बाद ही आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप और PC पे और आपको दिखाते हैं कैसे इसको आप जो फंड ट्रांसफर का काम है वो कैसे करेंगे, और अब आने वाली वीडियो में बताएंगे कैसे आप ATM कार्ड का जो है न्यू पासवर्ड जनरेट करें और कैसे आप फंड को ट्रांसफर करें। दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे गूगल में टाइप कर रहे हैं HDFC नेट बैंकिंग, और इसके जो होम पेज पे जैसे पहले हम पहुँचे थे और जहाँ से हम पासवर्ड चेंज किए थे वैसे ही हम फिर वहाँ पे जाएंगे और अपना यूज़र ID और कस्टमर ID का यूज़ करते हुए हम कंटिन्यू करेंगे। न्यू जो पासवर्ड IPN जो चेंज किए रहेंगे, और जैसे ही IPN जो आप डालेंगे न्यू, आप अपने होम पेज पर पहुँच जाएंगे अपने नेट बैंकिंग के। तो यहाँ पे जैसे ही आप होम पेज पे पहुँचेंगे ऊपर आपको एक टैब मिलता है फ़ंड ट्रांसफ़र, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा रजिस्टर लेटर और रजिस्टर नाउ। तो आपको करना क्या होगा कि जो रजिस्टर नाउ है इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसके कुछ टर्म और कंडीशन, इसको आप पढ़ के सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाउ, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका ईमेल ID दिया रहेगा और आपका मोबाइल नंबर, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। दोनों पे OTP जाएगा, मोबाइल नंबर पे दूसरी आपकी OTP रहेगी और जो आपकी ईमेल ID रहेगी उस पे दूसरी OTP जाएगी। दोनों को आप यहाँ पे फिलअप करना होगा, मोबाइल की मोबाइल वाले में और ईमेल ID की ईमेल ID वाले में आपको OTP डाल के सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे दोनों OTP डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एक पिक्चर आएगा, इस पिक्चर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इस पिक्चर के हिसाब से अपना नेम दे सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन देगा, अगर इन फ्यूचर अगर आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन के ज़रिए आप उसको रीसेट कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन का आप आंसर देंगे उसको आप माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, किस ईयर में आपकी मैरिज हुई, किस ईयर में आप पास किए, ये सब देने के बाद इनको आप चाहें तो सेव करके रख सकते हैं या इसको माइंड में रखेंगे ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप फॉरगेट हो जाता है, आप भूल जाते हैं, तो इसका यूज़ करके आप फिर से रीसेट कर सकते हैं अपने जो भी आपका फ़ंड ट्रांसफ़र रहेगा या जो भी आपका रीसेट करना रहेगा, यूज़र ID या जो भी आपका पासवर्ड चेंज करना रहेगा, उन सब में ये सब क्वेश्चन अगर आप भूल जाएंगे तब ये फिर रिपीट करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ंड ट्रांसफ़र का यहाँ पे टैब ओपन हो चुका है। हम आने वाली वीडियोस में इस पर डिस्कस करेंगे कि जो ट्रांसफ़र विद इन बैंक है इसमें क्या है और इंस्टेंट जो है ट्रांसफ़र इसमें क्या है। तो हम आने वाले वीडियोस में ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे और इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी उस पर हम बात करेंगे कि आपका जो ATM मिला है उसको कैसे एक्टिव करें और उसका जो पिन है उसको कैसे जनरेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।